स्टैंडर्ड एंगल्स का नहीं बताए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री बता तो दिए थे, वही स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, चलिए देखिए अभी आज, हाँ आज पढ़ना है आप लोग को, आज का जो क्लास होगा ये होगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। आप लोग से पूछेंगे हम, सब पढ़ा हुआ है। सम इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या होता है सो पहले बताओ, याद है कुछ? फर्स्ट क्या था, रेखा, याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ पहला तो यही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। थर्ड है आपका, थर्ड क्या होता था, हाँ सेकंड क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है वेरी गुड। थर्ड, एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तीन बेसिक आइडेंटिटी था, यही बेसिक आइडेंटिटी था ना ट्रिगोनोमेट्रिक। अब इससे फिर बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ड्राइव होते हैं, ठीक है ना, एक से तीन, चार, पांच, जो भी जितना चाहो उतना ड्राइव कर सकते हो। ये बेसिक तीन ही था, वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों बोले थे टेंथ वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, किए थे क्या? सभी कोई टेंथ वाला क्वेश्चन बोले थे प्रैक्टिस करने, नहीं किए? आज क्वेश्चन देंगे हम, ये तो सबको याद होगा सिद्धि, ये तो सब याद होगा। चलिए यहां से आयुष बताओ तो, अब यहां से बताओ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताओ आयुष, आयुष नहीं है, हेलो, आया था चला गया, बताओ अमित तुम्हें बताओ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, वेरी गुड, यहां से साइन थीटा इक्वल टू, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बाद इसी तरह से सभी से ड्राइव कर सकते हैं आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आवाज आ रहा है कि नहीं? रिपीट भी कर रहा है क्या? आप लोगों का जो आवाज आ रहा है रिपीटेशन आ रहा है, हेलो अभी भी रिपीट कर रहा है, चलिए बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो ये बेसिक था, अब इसके बाद आप लोग को मेनली पढ़ना है जो 11th का पोर्शन है, यहाँ से स्टार्ट होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है, याद कीजिए तो आप लोग शायद क्लास 8, 7, 8 में हम बताए थे, वही चीज आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल,
मेजरमेंट ऑफ एंगल, जैसे कि फिजिक्स में आप लोग मेजरमेंट करते हैं तो डिफरेंट यूनिट्स आपको मिलता है, सीडीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एस और एस आई यूनिट होता है कि नहीं होता है? मेजर करने का डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट होता ना, उसी तरह से एंगल्स को मेजर करने के लिए भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली तीन है, कौन कौन है इसको देखो। फर्स्ट है आपका फर्स्ट है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। सेकेंड है आपका सर्कुलर मेजर या रेडियल मेजर इसे कहते हैं। रेडियन मेजर और सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर। और थर्ड हो जाता है आपका ग्रेड मेजर। याद आ रहा है कुछ सिद्धि, कभी बताए थे? यहां तक कोई दिक्कत है? लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे सेव भी कर दे रहे हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? मेजरमेंट ऑफ एंगल तीन यूनिट्स में करते हैं हम लोग, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, ग्रेड मेजर। ओके, इसके बाद अब देखो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में क्या करते हैं हम लोग, आर राइट एंगल, इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, देन ईच इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, हर एक इक्वल पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, 1 डिग्री कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये राइट एंगल है, इसको 90 इक्वल पार्ट में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे क्या करते हैं हम लोग, 90 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। हर एक इक्वल पार्ट को हम लोग इसका क्या कहते हैं, 1 डिग्री। हर एक इक्वल पार्ट को इसका क्या कहेंगे हम लोग, 1 डिग्री। ठीक है, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत बताइए। हाँ, वन राइट एंगल में, अच्छा वन राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, रेखा बताओ, हाउ मेनी डिग्री इज इन अ राइट एंगल, 90। देखो आप लोग 90 क्या था, राइट एंगल था, इसको 90 इक्वल पार्ट में बांटे, इस तब हर एक पार्ट को क्या बोले थे, 1 डिग्री, मतलब कितना, 90 डिग्री होगा टोटल। एक राइट एंगल में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत?
इसके बाद फिर क्या कहता है, अगेन अगेन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, इच इक्वल पार्ट्स each equal part is called degree, sorry minute, है ना, 1 मिनट। अब देखो, अब फिर क्या किया हम लोग, 1 डिग्री को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब धीरे धीरे छोटा स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे होता है ना 1 केजी में 1000 ग्राम, ठीक है, और कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, उसके बाद फिर मिलीग्राम, सेंटीग्राम, होता है कि नहीं होता, उसी तरह से आपका जो डिग्री था, डिग्री से किस में आया मिनट में, और मिनट से किस में जाता है सेकंड में। अभी भी कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अभी भी प्रीवियस क्लास लोग कुछ याद आया किसी को? इट इज डिनोटेड बाई 1 मिनट, ठीक है ना, एक डैश ऊपर में दे देते हैं तो ये क्या होता है आपका मिनट हो जाता है, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। तब यहां से क्या कहोगे कि 1 डिग्री, कौन बताएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिनट? 1 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ कितना मिनट होगा, हाउ मेनी मिनट्स? सिद्धि बताओ, कितना हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक है। बताए कि 1 डिग्री को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, 60 इक्वल पार्ट में, तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो एक पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, 60 मिनट कहेंगे, ठीक है। अब अगेन नाउ अगेन 1 डिग्री, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। हर एक इक्वल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे, है ना, कोई दिक्कत? लिख दे रहे हो, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय 1 पे क्या होता है डबल डैश, 1 पे डबल डैश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े। हाँ जी, हेलो, आवाज नहीं जा रहा था क्या? तो अब आवाज जा रहा है, क्लियर? देखिए, इसका मतलब है कि 1 राइट एंगल, x को समराइज करके लिख देते हैं, न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना डिग्री बताएं, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री
इक्वल्स टू फिर क्या बताया, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू कितना कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये बात समझ में आ गया टोटल? बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ग्रेड मेजर आप लोग को हटा दिया गया है सिलेबस से कम्प्लीटली, ठीक है, इसलिए उतना ज्यादा दिक्कत है नहीं। पहले रेडियन मेजर आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है, रेडियन मेजर अब देख लो। डिग्री मेजर में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है डिग्री मेजर में? सही में आया बात? बोलो। आप देखो, डिग्री से अगर मिनट सेकंड में जैसे बदलना है तो कैसे बदलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो एग्जांपल से, ठीक है। जैसे मान लो 33/4 डिग्री दिया हुआ है, ये डिग्री में है, इसको कहता है कि मिनट सेकंड में बदलना है, डिग्री मिनट सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे, 33 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 33 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो कितना बार में, 8 टाइम्स में जाएगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 32, क्या बचा, 1 होगा जी, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, 8 डिग्री है ना। अब 1 बचता था, इसको क्या करते हैं अब हम लोग, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है ना, इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब क्या हो गया, अब 60 हो गया, अब इसको डिवाइड करना इसी से 4 से, कितना डिवाइड करेंगे, 4 से ही, अब डिवाइड करो कितना बार में बताइए, 1 से सर। फिफ्टीन से डायरेक्ट हम कर दे रहे, ठीक है, 1 से करें लेकिन डायरेक्ट कर दे रहे, 15 4 जा 60 होगा ना, कट गया, तो ये क्या हो गया, मिनट हो गया, मतलब 33/4 डिग्री जो था, 33/4 कैन बी रिटेन एज 8 डिग्री 15 मिनट, 8 डिग्री एंड 15 मिनट। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? आगे बढ़े, हेलो, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना। अब देखो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड इसका हमको अपोजिट चलते से दिया हुआ था, अगर मान लो 8 डिग्री 15 मिनट दिया हुआ है, अब आपको कहता है कि इसको डिग्री में बताओ, सिर्फ डिग्री में बताओ, चलो बना लोगे तुम लोग, क्या करेंगे इसको, 8 डिग्री है रहने दो, ये 15 मिनट है ना, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा आप बताइए, वहां इंटू किए थे, यहाँ पर क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, मिनट से डिग्री में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा ना, अब किस में बदल गया, डिग्री में, अब इसको काट दो तो क्या हो गया, 1/4, अब ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में तो ऐड हो जाएगा, तो 8 + 1/4 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 8 4 जा 32 + 1 यानी 33/4 डिग्री होगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? नो सर। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे करना है, सो ठीक है, अभी डिग्री से, लेकिन एक ग्रेड पे जान लो पहले, रेडियन भी तो कन्वर्सन भी साथ में आ जाएगा, रेडियन मेजर देख लो, अगर ग्रेड मेजर से क्वेश्चन एक भी मिलता है तो फिर ग्रेड मेजर भी हम आप लोगों को डिस्कस कर देंगे, वैसे भी कर देंगे, लेकिन पहले रेडियन मेजर देख लो आप, रेडियन मेजर या इसी को कहते हैं सर्कुलर मेजर है ना,
रेडियन मेजर, और इसी को कहते हैं सर्कुलर मेजर। ठीक है, चलिए अब रेडियन मेजर क्या होता है इसको देख लो पहले। अब इससे पहले एक चीज आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, वन रेडियन क्या होता है डिफाइन कर सकते हो? वन रेडियन याद है कुछ? नहीं याद है बता दो। नहीं पता है, रिकॉर्डिंग होता है तो आप लोग का साउंड नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ मेरा साउंड होता है। बताओ वन रेडियन। मनिंदर, अमित, बताओ वन रेडियन क्या होता है? अरे छोड़ो, देख लो, एन एंगल फॉर्म्ड बाई एन आर्क एट दी सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल व्हेन व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू दी लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क जो है उसका लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर होगा, उस समय सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? वन रेडियन कहते हैं। ठीक है, देखिए दो यहां पे सर्कल, ये सर्कल है, यहां मान लो ये सेंटर है इसका, ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो रेडियस है ये इस समय ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा, और ये रेडियस इसका आर है। ठीक है, रेडियस क्या है? आर है, रेडियस आर है, और ये इस समय आर्क का ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ भी आपका क्या होगा? आर के बराबर होगा ये लेंथ। ठीक है, जब ये लेंथ भी आर के बराबर हो जाएगा तो उस समय जो सेंटर पर एंगल बन रहा होगा इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? वन रेडियन। इसी समय ये एंगल जो बन रहा होगा सेंटर पे इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वन रेडियन कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ बोलोगे यहां तक? बताओ कोई दिक्कत? फिर से सुन लो। हाँ फिर से बता दे रहे, देखिए कि एन एंगल फॉर्म बाय एन आर्क, देखिए ये आर्क है आपका, ये आपका क्या है? आर्क है। कहता है एन आर्क क्या? ये इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये एंगल वन रेडियन होगा। कब होगा? जब ये जो एंगल बन रहा होगा उस समय आर्क का जो लेंथ होगा वो रेडियस के लेंथ के बराबर हो जाएगा। फिर से सुन लो, आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के जब बराबर हो जाएगा उस समय सेंटर पर जो आर्क के द्वारा एंगल बनाया जा रहा होगा उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? वन रेडियन कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एन एंगल फॉर्म्ड बाई एन आर्क, या फिर एंगल फॉर्म्ड बाई एन आर्क
व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क इज वन सॉरी लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड वन रेडियन। समझ में आया बात? तो अब यहां पे समझो एक बात कि जब ये कंप्लीट रोटेशन लेगा, कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनेगा ये बताओ, डिग्री में 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और उस समय ये पूरा जब ये कंप्लीट रोटेशन घूमेगा तो ये आर्क का लेंथ जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा, होगा जी? यस सर। तो और यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, ये आर के बराबर होगा 360 डिग्री इंटू आर, तो ये आर से आर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचता है, 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 बाई 2, तो कट जाएगा, तो यहां से क्या बचा, पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया बात, ये पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जब पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया तो हम लोग कह सकते हैं, देखो पाई किस में है, रेडियन में है, और ये 180 क्या है, ये डिग्री में है कि नहीं है। यहां तक समझ में आया बात, यहां तक बात समझ में आ गया? अब यहीं से हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आप लोग को बता रहे हैं, देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, डिग्री एंड रेडियन के बीच का रिलेशन क्या होता है। अभी हम आपको क्या बताएं, पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या बताएं, 180 डिग्री होता है। तो यहां से वन रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, 180 बाई पाई डिग्री होगा कि नहीं होगा। अरे पाई यहां से, यहां पे 1 इंटू पाई है ना जी, तो पाई उधर जाकर डिवाइड में हो गया। अब इसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट ले हम लोग, तो यहां से देखो तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा कि नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों के बीच का रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो क्वेश्चन देता है, कहता है 270 क्वेश्चन है, कन्वर्ट 270 डिग्री इंटू रेडियन मेजर। चलो कैसे बनाओगे बताओ, सॉल्व हो जाएगा सबका? हाँ जी बोले, सॉल्व हो जाएगा सभी का? क्या करेंगे, देखो 270 डिग्री है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, पाई रेडियन में बदलना है ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जीरो से जीरो कट गया, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3, तो यानी से यहाँ से क्या आ गया आपका, गड़बड़ है। बताओ क्या होगा, ये जीरो से जीरो तो कट गया, 9 2 जा 18 है ना, और 9 3 जा 27, तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, सही में आ गया, सही में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है?
चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बना करके दिखाओ तो इसका, जैसे दिया हुआ है 5π/11, अब आपको डिग्री में बदलना है, बताइए कितना डिग्री होगा, कितना रेडियन है, डिग्री में कितना होगा, जल्दी से बना तो होगा कि हम ही बता दें, हम ही बता दें। देखिए 5π/11 है, इसको डिग्री से रेडियन से डिग्री में बदलना है ना, तो डिग्री से रेडियन में बदलने के, सॉरी रेडियन से डिग्री में बदलने क्या बताए थे, 180 / π से मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं ना सीधी, हाँ बताओ, अब ये डिग्री बदल जाएगा, रेखा तुम्हारा बना, मतलब कॉपी पे लिख नहीं बैठती है। देखिए पाई से पाई कट गया, ठीक है, अब 18π/90, हाँ 900/11 डिग्री, अब बताओ यही छोड़ दे, इसको मिनट सेकंड में बदल सकते हैं, चलिए बदलिए, घटाएंगे ध्यान से, 2 हो जाएगा, 20 होगा ना, तो 11 बन जाओ, 11, 9 बचा, ठीक है। अब आपका ये हो गया डिग्री में, अब इसको देखो मिनट में बदलने लेके फिर से क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई, तो 9 6 = 54, इसको फिर कितना से 11 से डिवाइड करो, आप देखो ये 49 आया, तो 49 मिनट हो जाएगा आपका, 49 क्या हो जाएगा मिनट, तो यही डिवाइड आगे कंटिन्यू चल रहा है ना, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, आप फिर 1 जो है फिर से क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, रेट से बना दे रहे, अभी जो 1 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाएगा, अब इसको अब 11 से डिवाइड करना है, 11 5 = 55, 5 बच गया अभी भी, अब ये 5 मिनट, अब देखो 5 मिनट तक आ गया, आपका आंसर यही होगा खत्म, अब आगे कुछ भी बचता है हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, तो अब आंसर कितना हो गया, 81 डिग्री 49, 81 डिग्री 49 मिनट, 1 मिनट, 49 मिनट और 5 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा, तो ठीक है, नहीं माया, ये बात आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, अब चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, जो आज का यही टॉपिक था, इसी को हम लोग डिग्री मेजर या इसी को क्या कहते हैं, सेक्सा जेसिमल मेडर मेजर, ठीक है ना, सेक्सा जेसिमल सिस्टम, ठीक है, कोई दिक्कत, इसे क्या कहते हैं, सेक्सा जेसिमल सिस्टम, और सर्कुलर मेजर
या इसी को कहते हैं हम लोग रेडियन मेजर। कोई दिक्कत? इसका सेव कर दे रहे इसको भी, ये आप लोग को ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना तुम लोग, कि इफ एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव। जैसे देखो ये सर्कल है ठीक है, ये सर्कल है। अब यहां पे देखिए इसका जो रोटेशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है? बोलिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आ रहा है? जब ऐसे घूमेगा तो इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। और ऐसे रोटेट होगा तो इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज क्या कह रहा है? इफ एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव एंगल एंड इफ एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये और ऐसे जाता है नेगेटिव एंगल कहते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं, साइन सिर्फ होता है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को दिखाता है। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये तो बता दिए आप लोग को, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी बता दिए। देखो ये कुछ क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। दिख रहा स्क्रीन सबको? प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन सेव भी कर दे रहे वैसे हम, और तुम लोग चाहो तो वहीं से निकाल लेना ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना आज। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ब्लर दिख रहा है? अच्छा सेव कर दिए हैं ठीक है, सेव कर दिए हैं, आप लोग स्टडी मटेरियल से निकाल लोगे ठीक है, और इसको सॉल्व करने का कोशिश करोगे। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन, फंडामेंटल रेशियोज ये बता चुके हैं, सारा चीज बता दिए। देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो क्लास टेंथ में प्रूफ करते थे, ये हो जाएगा प्रूफ। टेन ए बाई वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई वन माइनस टेन ए ठीक है इक्वल टू सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस वन। अब देखो तो ये क्वेश्चन क्लास टेंथ में प्रूफ किए कि नहीं किए बता दो खाली एक बार आप लोग, क्लास टेंथ में किए हैं? सिद्धि ये सब बन जाएगा कि नहीं? इसीलिए बोले हम आप लोग का आंटीज वाला जितना क्वेश्चन है उसको टेंथ वाला बना लेना ठीक है ना, सब रिपीटेड होगा क्वेश्चन। इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट जो है हम आप लोग को यहाँ सेव कर दे रहे हैं, चार पांच क्वेश्चन है इसमें भी ठीक है। ये सब आप लोग का होमवर्क है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन और टू दोनों आप लोग का होमवर्क है ठीक है। और उसके बाद साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? आज आयुष भी नहीं रहा ना उधर, स्नेहा है कि आयुष है? स्नेहा आयुष है कि स्नेहा है? आवाज नहीं आ रहा है, माइक ऑन तो किए हो? अच्छा आयुष है, आप लोग को आवाज आ रहा है? चलिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा, कल फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे हम लोग।
आप लोग ज्वाइन करते रहो इसी तरह सर, कंटिन्यूअसली सभी को बताओ, इनरोल लेकिन करना होगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू।